हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 26,001 पदों के लिए सहायक आचार्य में फिर से एक बड़ी जो है अपडेट आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जेटेट 2016 वाले का क्या होगा, परीक्षा कब होगी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और सीटेट वालों की क्या होने वाली है बल्ले बल्ले और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से जो है देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें सामने आई है, वो भी हम लोग इसमें देखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल पे लगातार झारखंड टैट, जेएसएससी या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जो मुकदमे चल रहे हैं उसके बारे में आपको रेगुलरली मैं अपडेट देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर तरह की अपडेट आपको मिलता रहे। यहां से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी देख सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, परेशानी हो फॉर्म भरने को लेकर, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो बातें सामने आई है, जो नई नोटिफिकेशन सामने आई है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देना चाहता हूं। देखिए, मैं इस नोटिफिकेशन से बहुत खुश हूं और आज ही सीटेट का जो है रिजल्ट भी आया है। तो जो नए भाई बहन हैं, आप सभी का मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करता हूं कि आप भी इस भर्ती में शामिल हो जाइए। 26,000 पद के लिए आप लोग आ चुके हैं, दैट्स वेरी गुड। और आप पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो जाकर, मैंने पहले ही कहा था कि ये नए भर्ती में जो है, इस भर्ती में जो है नए विद्यार्थियों को भी मौका दे ही देना चाहिए। तो खैर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आइए। और अच्छे टीचरों की जरूरत है, क्वालिटी टीचरों की जरूरत है झारखंड के गाँवों के, जो सुदूर में गाँव बसे हैं उनको जो है आप जैसे टीचरों की आवश्यकता है। तो जो भाई बहन सीटेट पास कर चुके हैं, झारखंडी हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो जेटेट 16 वाले जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या हुआ? तो अच्छी बात है, उनका तो भी केस चल रहा है और ये केस बहुत ही लचर पचर है। आई मीन दिस इज रेडिकुलस, ये जो है बहुत ही बकवास केस है। और ये देखना आप, जैसे ही दोनों तरफ से बहस होगी और ये केस अपने आप डाउन होने वाला है, ऐसा मैं भविष्यवक्ता या फिर मैं बहुत बड़ा वकील हूँ इस हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने अपने टॉपिक को चुना है कि सीटेट में जो है लैंग्वेज पेपर होता नहीं है। अब देखिए, मामला एक व्यक्ति का था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिया सरकार को। अब देखिए, काउंटर बैक में सरकार बोलेगी कि हम लोग जो है रीजनल लैंग्वेज जो है, जो कि मातृभाषा है, हम लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं और हम लोग जो ये जेएसएससी का पेपर ले रहे हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज तो है ही। अब कुछ तथाकथित होशियार और बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान आएंगे, बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश कहाँ का रीजनल लैंग्वेज है। तो इन गवारों को दिखेगा नहीं कि बंगला, हिंदी, उड़िया, खुट्ठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, संथाली सभी लैंग्वेज हैं इसमें। और 90%, आई रिपीट, 90% बच्चे जो हैं ये जो रीजनल लैंग्वेज है उसे चूज करेंगे, 10% हिंदी और इंग्लिश के साथ जाएंगे। अब देखिए, इसका भी इलाज है, इसका भी इलाज जो है सरकार ने कर रखा है कि आपको जो है 3 साल के अंदर अंदर जो है जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी, जो कि सरकार कंडक्ट कराएगी पहले बार में। नहीं होगा तो आपकी जॉब चली जाएगी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं भैया, जॉब जाएगी जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जेटेट एक बार क्या, हमें 10 बार लगातार 10 साल एग्जाम दिलाओ, हम लोग जेटेट 10-20 बार पास कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से हम लोग नहीं डरते, एग्जाम से डरने वाले कौन है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, एग्जाम से कौन डरता है नीचे कमेंट करके उनको जो है जरूर आप दिखाइएगा। खैर, और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्या नई नोटिफिकेशन में जो चीज़ें सामने आई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। नए नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट आई है उसमें नए विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे, सीटेट वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आई रिपीट, लेकिन जो पुराने लोगों ने फॉर्म भरा है उनको एडिट या पुराने लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो पुराना वाला फॉर्म स्वतः स्पॉन्टेनियसली जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया वो भी इस फॉर्म को अब भर पाएंगे। अब मैं ये बातें अपने मन से बता रहा हूँ क्या? नहीं, अपने मन से मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बातें लिखी है उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है मैं बातें बता रहा हूँ। याद रखिएगा, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS वगैरह नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जो बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ फटाफट। देखिए, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भरिए, भगवान ने एक मौका आप लोगों को फिर से दिया है। 1 to 5, 6 to 8 के लिए फॉर्म आप फटाफट भर सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, यानी कि 1 to 5 में देखो, ये एक्चुअली फॉर्म फिर से भरने का रीज़न क्या है, फिर से इन्होंने डेट क्यों निकाला। 1 to 5 के लिए देखिए, बीएड को यहाँ पे एलिजिबल कर दिया था हमारी सरकार ने, जो कि बहुत पढ़ी लिखी सरकार है। इन बेवकूफ़ों को एनसीटी से कोई मतलब नहीं है, सॉरी बेवकूफ़ मैंने कैसे बोल दिया, ये बहुत तेज़ कुशाग्र बुद्धि वाले हमारी सरकार है, झारखंड की सरकार बहुत ही तेज़ है। और देखना, अगर ये मामला अगर फटाफट अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो ये मामला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, तो फिर मैं जेएसएससी और सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए पर्सनली जाऊंगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है अगर बिलो द बेल्ट जाती है, नीचे जाती है, तो फिर
ये जो है मामला 1 से 2 साल तक लटक जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका एग्जाम जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूं मार्च में इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है 4 से 5 दिनों के लिए फॉर्म भरने का जो है डेट ये जल्दी ही निकालने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया है। कि यहां से देखो आप, नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र जो है आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए विद्यार्थियों यानी नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जल्द ही जो है लिंक एक्टिवेट होगा, आप लोग फॉर्म भरोगे और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा, बाहर के कोई भी लोग इसे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया वाली ये वैकेंसी नहीं है, सिर्फ झारखंड के निवासी यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, और जिन्होंने जेटेड 2016 या 12 पास किया है उनकी एज बची हुई है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो जेटेड 16 वालों कैसे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कटोरा अगर लेकर इधर उधर घूम रहे हो तो भैया जल्दी से फटाफट घर में लॉक होकर पढ़ाई शुरू कर दो, वरना क्या होगा तुम्हें तो पता ही है, क्योंकि नए सीटेट वाले भी आ गए। एक सीटेट वाला आया था तो तुम्हें परेशानी हो रही थी, अब तो तुम्हारा जो है टॉर्चर डबल होने वाला है, तो इसलिए भैया पढ़ दो और ये सुप्रीम कोर्ट खेलना बंद करो। अगर सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हो तो इस बार मैं चंदा दूंगा, तुम लोग इंटरनेशनल कोर्ट जाना और वहां से जो है केस लड़ के जीत जाना। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो प्लीज नीचे कमेंट करके जय हिंद, और जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो जरूर लिखें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। जैसे मैं देवघर से ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को रांची, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, जहां से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम लिख दीजिए। वीडियो आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।